ये बलदेव जी मंदिर, यहाँ जगन्नाथ जी भी हैं, सुभद्रा जी भी हैं, बगल में लक्ष्मी माता का भी मंदिर है। मंदिर में जाकर सबको अच्छा लगता है, भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। और यहाँ आकर जो इसका इतिहास पता चला कि यहाँ एक बड़ा असुर था जिसका वध बलराम जी किए थे और उसके नाम पर ही केंद्र पाड़ा या पड़ा है। और भगवान जगन्नाथ, भैया बलराम और सुभद्रा जी सभी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रहें। अभी जो इस देश के लोगों को ज़रूरत है, जो देश की ज़रूरत है कि यहाँ से गरीबी मिटे, गरीबी कल्याण की योजनाएं लागू हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास के कारण विकास की गंगा जो पूरे देश के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक पहुँच रहा है, सब मिलकर उस गंगा को, उस पवित्र गंगा को, उस पवित्र विकास को घर घर तक पहुंचाए। उसमें कोई भेदभाव नहीं करे, चाहे वह राज्य की सरकार हो या कोई हो, कोई भेदभाव नहीं करे। और सही ढंग से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना संकल्प है इस देश से गरीबी मिटाने का, देश को समृद्धशाली बनाने का, यहाँ माता लक्ष्मी का भी मंदिर है तो माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करें कि इस देश को माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है समृद्धशाली बनाने का, समृद्धशाली बनाने में मोदी जी पर आप आशीर्वाद बनाए रहे। देखिए यहाँ क्या है ना कि हम मंदिर है और मंदिर में हम पूजा करने के लिए आए हैं। जब यहाँ हम कल आए तो पता चला कि यहाँ एक बड़ा मंदिर, पवित्र, भक्तों की बड़ी भीड़ भी होती है और बड़ी श्रद्धा है। उसी श्रद्धा से मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, नमन करने के लिए आया हूँ और बलराम जी को, जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को और लक्ष्मी जी को बहुत बहुत नमन सादर।